भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ घटित घटना को लेकर के दिन बीतते जा रहे हैं। वैसे वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार सब के बयान अब सामने आ रहे हैं, और वहीं अभी तक खेसारी लाल यादव के पक्ष में जहां काजल राघवानी और भोजपुरी डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने खेसारी का साथ दिया था, तो वहीं आज खेसारी लाल यादव के बेहद करीबी दोस्त और भोजपुरी के नंबर वन विलेन अवधेश मिश्रा ने बहुत ही अलग अंदाज के साथ सुधीर को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एक बात याद आ रही है, जब मैं 13 या 14 साल का था तो मेरे गांव में एक बाई जी की नाच मंडली आई थी, हमें बता दिया गया था कि वह गलत है। जी हाँ, गलत है, और इसके बावजूद लोग वहां गए थे देखने के लिए। 2-3 दिन तक बाद लोगों ने भी जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों में ही लोगों नाच मंडली मेरे गाँव से चली गई। उसे ना किसी ने मारा और ना ही गाली दिया, बस उनका बहिष्कार किया उसे ना देखने से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तो लोग जिस गंदे गाने के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अलग अंदाज से विरोध कर रहे हैं और उसका झंडा लेकर के घूम रहे हैं या किसी कलाकार पर हमला करवा रहे हैं, उसके बजाय उनको उन्हें उन गंदे गानों का बहिष्कार करें, उन्हें ना सुनकर ना सुने ना देखें। ऐसे गाने या ऐसी फिल्मों जब लोग देखना पसंद कर देंगे या सुनना बंद कर देंगे तो अपने आप ही ऐसे गाने और फिल्में आना बंद हो जाएगी, और ऐसा मुझे लगता है कि बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरी से प्रियंका की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।